नमस्कार, मैं गौरव श्याल, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा पशुशाला की सफाई। सबसे पहले ये जानते हैं सफाई होती क्या है। सफाई का अर्थ ये होता है कि पशुओं का स्वास्थ्य गिरे बिना स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पशुशाला की सफाई करें, जिससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जिससे पशु स्वस्थ रहे। अब बात करते हैं पशुशाला की सफाई का क्या उद्देश्य हो सकता है। पशुशाला की सफाई के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि बात करते हैं कि पशुओं को बीमारियों से लड़ने की जो है अच्छी क्षमता आती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है तथा इनकी मृत्यु दर घट जाती है तथा जीवन काल इनका बढ़ जाता है। और बात करते हैं फिर उनकी कि उनको रोगाणुओं और अन्य परजीवियों से उनकी जो है सुरक्षा हो सकती है तथा प्रजनन तथा उत्पादन क्षमता उनकी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि पशुशाला की सफाई के जो है भौतिक और रासायनिक घटक। पहली बात करते हैं भौतिक घटक। भौतिक घटक क्या होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा आदि, ये सब भौतिक घटक होते हैं। रासायनिक घटक, इनमें केमिकल कंपोजिशन आदि इत्यादि आते हैं, जैसे कि बात करते हैं बोरिक एसिड, फिनाल और सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर, डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोटेट्राइथेन। इसकी खोज जो है जडलर ने की थी तथा 1939 में इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी जो है पाउल मुलर ने बताई थी। अब बात बीएचसी का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसकी खोज जो है वंडरलैंडेन ने की थी। अब बात करते हैं पशुशाला की समुचित सफाई। पशुशाला की समुचित सफाई के लिए जो है उचित हवा की जो है आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, जिसके लिए जो है एक ऊंचाई पर एक आउटलेट पर जो है इनलेट वेंटिलेटर की जो है व्यवस्था होनी चाहिए तथा पशुओं के गोबर और तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थ को दिन में एक या दो बार गड्ढे में दबा देना चाहिए तथा जो पशुओं का पशुशाला में यूज करने वाला जो बर्तन है वो आसानी से साफ हो जाने वाला होना चाहिए तथा जो पशुशाला के अंदर की दीवारें होती हैं वो चिकनी होनी चाहिए, जिससे पशुशाला की दीवारों को आसानी से साफ किया जा सके तथा खाद्य पदार्थों को जो है गंदगी या गोबर इत्यादि से बचाना चाहिए तथा जो मृत पशु हो गए हैं उनको गाड़ा अथवा जला देना चाहिए। अब बात करते हैं कि विभिन्न कक्ष जो होते हैं पशुशाला के, उनकी साफ सफाई कैसे की जाती है। जैसे पशुशाला में हो गई फर्श, तो उसको दिन में दो या तीन बार 5% फिनॉल और तथा 10% ब्लीचिंग पाउडर और तथा 2-3% के जो आपके बोरिक एसिड के घोल से साफ करना चाहिए तथा जो नांद हो जाती हैं तथा उनको गर्म पानी या कपड़े से आदि से रगड़ करके कायदे से साफ करना चाहिए। अब बात करते हैं दीवारें को 10% ब्लीचिंग पाउडर तथा 5% फिनॉल के घोल से उसकी साफ सफाई करनी चाहिए तथा दरवाजे खिड़कियां जो होती हैं उनको 10% ब्लीचिंग पाउडर सल्यूशन तथा फिनाइल के घोल से साफ करना चाहिए तथा जो बर्तन होते हैं उनको 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से साफ करना चाहिए और जो आयन होते हैं तथा उनको 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से साफ करना चाहिए। आयन को जो पशुओं के रहते हैं दूध धोने से पहले उनको आयन को 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से साफ करना चाहिए तथा जो ग्वाला और या पशुपालक हो उसके हाथ को 70% इथाइल अल्कोहल या स्प्रिट से साफ कर लेना चाहिए तथा इसके साथ साथ ही साबुन इत्यादि से भी हाथों को धोते रहना चाहिए। नमस्कार, आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें तथा कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट जरूर करें। नमस्कार।